हर लम्हा तुम्हारी याद में तड़पा हूँ मैं प्रार्थना। हर सांस आपकी याद के बाद ली है हमने अक्षय, और मैंने हर पल यही चाहा कि तुम वापस लौट आओ, लेकिन आने के लिए ये कौन सा तरीका चुना तुमने? मेरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, अब मैं तुम्हें कैसे अपना प्रार्थना कैसे? ये यहाँ कैसे आ गई? इसे यहाँ आने किसने दिया? ये इस घर की बहू है आंटी, प्रार्थना ठकराल। और इसे अपने घर में रहने का पूरा हक है। मिसेस ठकराल, आपने तो कहा था अक्षय ने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स के ही लायक है। अक्षय बहुत जल्द इसे डिवोर्स देने वाला है, इसीलिए हमने इसे घर से निकाल दिया था। लेकिन नहीं, इसे दौलत का लालच है, और दौलत का लालच इसे वापस इस घर में ले आया। मैं एक पल इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। थोड़ा संभाल कर आंटी, अगर आपने प्रार्थना को छूने की भी कोशिश की ना, तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, यानी इसे कोर्ट के आदेश की बेइज्जती माना जाएगा। मिस्टर सहाय, सू आंटी को कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाइएगा। कोर्ट के पास अक्षय और प्रार्थना ठकराल के डिवोर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इसीलिए कोर्ट का ये ऑर्डर है कि प्रार्थना ठकराल कानूनन अक्षय ठकराल की पत्नी है। और उसे इस घर में रहने का पूरा हक है, और कोई भी उसे इस घर से जबरदस्ती नहीं निकाल सकता। और अगर ठकराल परिवार के किसी भी सदस्य ने उसे जबरदस्ती इस घर से निकालने की कोशिश की, तो पूरे ठकराल परिवार के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। और एक बात और आंटी, क्योंकि मेरी बहन मां बनने वाली है, उसकी देखभाल के लिए कुछ दिनों तक मैं इसी घर में रहूंगी, ठकराल मैंशन में। मिस्टर ठकराल, इन पेपरों पे साइन कर दीजिए। अक्षय की एंगेजमेंट एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो आंटी। आप लोग इतने खामोश क्यों हो गए? एवरीबडी प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। आफ्टर ऑल ये मिस्टर अक्षय ठकराल और प्रार्थना ठकराल की एंगेजमेंट पार्टी है। I'm sorry friends, party is over. आप सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मेरा चैलेंज आपको याद है ना आंटी? प्रार्थना का बच्चा और ठकराल खानदान का वारिस इसी घर में जन्म लेगा। ये कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी हरगिज नहीं होगा। वेलकम बैक प्रार्थना। नहीं सिद्धि, जब हमारे परिवार ने ही हमें स्वीकार नहीं किया तो
तो यहाँ वापस आने का क्या फायदा हुआ? तू चिंता मत कर प्रार्थना, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेरा जो इस घर पर हक है वो मैं तुझे दिलवा कर ही रहूंगी। और रही बात अक्षय के दिल पर हक की, वो तो तुझे खुद ही पाना होगा ना। क्यों, आखिर क्यों किया मैंने? मेरी प्रार्थना इतने दिनों के बाद आज जब मेरे सामने आई तो दिल ने चाहा कि उसका हाथ पकड़कर अपना लूं, उसे सारी दुनिया को बता दूं कि मैं प्रार्थना का हूं, सिर्फ प्रार्थना का। तो फिर क्यों मैंने अपने दिल की बात नहीं मानी? क्यों ठुकरा दिया उसका साथ? क्यों छोड़ दिया उसे वहीं अकेली आंसुओं में, दर्द में तड़पते हुए? क्यों किया मैंने, क्यों? चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? तुम्हें छूने का है एहसास, तुम्हारी सांसों की महक। मैंने कितना याद किया है प्रार्थना तुम्हें, प्रार्थना। अक्षय तो तुमसे ही था, तुम चली गई हो, मेरी जिंदगी अपने साथ लेके चली गई। नहीं अक्षय। क्यों चली गई प्रार्थना? मेरे अरमान, मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें सब छिन गया था प्रार्थना, अधूरा हो गया था। लेकिन अब अपने अक्षय को कभी छोड़कर मत जाना प्रार्थना, कभी मत छोड़ना मुझे। नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। खेल गई वो सिद्धि, वो भी मेरे साथ। और वो मोहिनी, वो कहां चली गई? काम डाउन सू। देखो सू, जैसे सिद्धि ने मोहिनी को अपने रास्ते से हटा दिया, वैसे हम भी सिद्धि और प्रार्थना को अपने रास्ते से हटाने का कोई ना कोई तरीका सोच ही लेंगे। Oh, that's very obvious, Rio. But I fail to understand कि ये मोहिनी कहाँ गायब हो गई? अगर उसे ये engagement नहीं करनी थी, तो हमें बताना तो चाहिए था। Where the hell did she go? Where did she disappear? जवाब दो। ठीक है,
तो मैं जा रही हूं। मोहिनी, इतनी जल्दी भी क्या है मोहिनी, बहुत इंतजार करवाया है तुमने और तुम तो इतनी बेसब्र हो कि मुद्दे की बात करो। क्यों बुलाया मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? और जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। टाइम वेस्ट करने की आदत तो तुम्हें पहले भी नहीं थी मोहिनी। मकसद बताओ अपना, आखिर चाहिए क्या तुम्हें? 10 लाख रुपए। दस लाख रुपए? हाँ मोहिनी, 10 लाख रुपए। और अगर तुमने मुझे यह कीमत अदा नहीं की तो तुम्हारे अतीत के बीते हुए सच का जहर तुम्हारे आज और तुम्हारे आने वाले कल को डस लेगा और मैं तुम्हारे सारे सबूत ठकराल खानदान के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन इतने पैसे मैं लाऊंगी कहां से? वो सब मैं नहीं जानता, कहीं से भी इंतजाम करो और मेरे फोन का इंतजार करो, ओके? लेकिन गॉड, क्या करूंगी अभी? मोहिनी, एंगेजमेंट। ज्ञान बोलना, ज्ञान एडमिशन हुआ कि नहीं? नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने फिर भी एडमिशन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक रौनक कपूर 2 लाख का डोनेशन नहीं देके जाएंगे तब तक बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। इतने पैसे कहां से आएंगे? मैं बताती हूँ कहाँ से लाएंगे ये पैसे। एक मिनट पुत्र, इधर उधर बता मुझे, बदमाश बता, बता क्या हुआ वहां पे? मुझे कान में दर्द हो रहा है। अच्छा बताता हूँ। हाँ भाई हाँ, एडमिशन मिल गया और डोनेशन के बिना। और इसी खुशी में मैं बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स और कुछ किताबें लाया हूँ। एक मिनट, ये लो। अरे फॉर्म, चलो देखो जरा किताब। देखो 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 देखो, ज्ञान तूने जो किया उसके लिए थैंक यू। चले गए सर। तुम कहाँ गई थी मोहिनी? आंटी वो मैं, आंटी यहाँ क्या हुआ? यही सवाल तो मैं तुमसे कर रही हूँ। तुम जानती थी ना कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट अक्षय ठकराल के साथ है। But you just lost the opportunity, my dear. मतलब? मतलब यही कि हमें तो पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ गायब हो गए। हमने तो बस इतना देखा कि तुम
घूंघट ओढ़कर अपने कमरे से आई और अक्षय के साथ सगाई की रस्म पूरी हो गई। वो तो जब घूंघट उठा तब हमें पता चला कि अक्षय की एंगेजमेंट जिस लड़की के साथ हुई है वो तुम नहीं हो। जानती हो वो लड़की कौन थी? प्रार्थना। अक्षय की एंगेजमेंट प्रार्थना से हो गई मोहिनी? और एक बार फिर मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हार गई। इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं चला, तो क्या वो फोन करने वाला यही चाहता था? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मोहिनी। तुम कहां चली गई थी मोहिनी? अब क्या कहूं, अगर सच बताऊंगी तो मेरा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या कहूं? आंटी, एक्चुअली आप इतनी खुश थी, आप इतनी एक्साइटेड थी इस एंगेजमेंट को लेकर कि जब वो कॉल आया मुझे लगा उसके बारे में आपको बताकर आपकी खुशियों को छीनने का मुझे कोई हक नहीं। एक्चुअली वो कॉल एक ब्लैकमेलर का था। उसने कहा कि वो आपके घर का सब राज जानता है। वो जानता है कि किस तरह आपने ज्ञान और उसके परिवार को अपने साजिशों के जाल में फंसाया, किस तरह आपने प्रार्थना की जिंदगी तबाह कर दी। ओह, तो ये वजह थी मोहिनी के गायब हो जाने की? और मुझे लगा था कि ये सारा अरेंजमेंट वरुण ने किया है। उस ब्लैकमेलर ने मुझसे कहा कि अगर मैं उससे मिलने नहीं गई तो वो यहाँ पार्टी में आकर सबके सामने अक्षय को सब सच बता देगा और आपके खानदान की इज्जत, आपके खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। हमारा राज जानता है? कौन है वो मोहिनी? हमारे लिए भगवान का वरदान बनकर आया था ये, आखिर ये अजनबी है कौन?